पुलवामा आतंकी हमले में शहीद 40 जवानों की शहादत को पूरा देश नमन कर रहा है। देश में पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश है, लेकिन देश में ही कुछ ऐसे गद्दार हैं जो वीर शहीदों की शहादत का मजाक बनाने के लिए एक बार भी नहीं सोचते। बलिया में एक रबी पीएम नाम का शख्स है जो देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के बजाय उस गद्दार आतंकी को श्रद्धांजलि दे रहा है जिसने देश की माँ के कोख को उजाड़ दिया है। रबी पीएम ने अपने फेसबुक आईडी पर लिखा है कि हमें आदिल पर गर्व है जिसने पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया और खुद शहीद हो गया। इतना ही नहीं, उसने आतंकी को श्रद्धांजलि भी दी। सोशल मीडिया पर ये फेसबुक पर ये टिप्पणी जो है पोस्ट हुई है जो देश के लिए अपमानजनक टिप्पणी की गई है, उसमें अभियोग पंजीकृत करके इसमें विधिक कार्यवाही की जा रही है। जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और प्रभावी कार्य। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। प्रशासन को मामले में जांच कर देश के ऐसे गद्दारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमले में 40 जवान शहीद हो गए, वो किसी माँ के बेटे थे, किसी बहन के भाई थे जिनकी शहादत का मजाक बनाया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।